तो ये मैंने बनाई है खिचड़ी, अब बच्चों को देती हूँ। मावा भी इसमें बन के हो गया रेडी, ये रहा। अब जल्दी से देती हूँ, खोल देती हूँ इसे, लो पकड़ो। ठीक है, खोल के दे दो, पहले ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। और होली आने वाली है, जैसे सबको पता है 25 की है होली, तो सबके घरों में ना उसी की तैयारी चल रही होगी होली की, जैसे कि हमारे घर में भी चल रही है। हल्की फुल्की साफ सफाई में कर रही हूँ डेली, छोटा मोटा काम जो हो रहा है, इसलिए ब्लॉग में थोड़ा लेट भी स्टार्ट करती हूँ। और अभी मैंने बनाई खिचड़ी, मावा बन के रेडी हो गया है, कल भी थोड़ा बना लिया था और आज भी बना लिया है, तो दोनों का मिक्स करके थोड़ी क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाएगी, फिर मैं गुजिया जो बनाऊंगी ना तो उसमें अच्छे से गुजिया बन भी पाएंगी। और बच्चे कह रहे हैं मठरी बनानी है, तो मैं सोच रही हूँ कल को बनाऊं या फिर आज शाम को, कल को बना लूं गुजिया, है ना? ठीक है। और बाकी आज हम जो सामान है होली के लिए लेकर आना है वो हम आज लेकर आएंगे, है ना? ठीक, चलेंगे होली की शॉपिंग करने के लिए। ओके ओके, तो खोल दूं इसे। धुआं कितना आ गया, बहुत धुआं आ रहा है। देखो सही है ना? हाँ, ऐसी अच्छी लगती है ना, हल्की सी, मतलब ज्यादा ड्राई तो फिर वो बिरयानी हो जाती है ना। सही बोल रहे हो, तो जल्दी जल्दी सब खाएंगे हम, बहुत टेस्ट लग रही थी। मुझे सूट का दुपट्टा नहीं मिल रहा, पर ये सारी ढूंढती मैंने कहाँ रख दिया है मैंने, अभी अच्छे से ढूंढूंगी, बाल वाल भी कॉम करने हैं मुझे, ज्यादा बड़े बाल हो जाते हैं तो बड़ा टाइम चाहिए। बच्चों को वही टेबल पे ही पानी चाहिए। लो पानी। आपने ये तो बताया नहीं खिचड़ी ऐसी लग रही है आपको? मेरे को तो बड़ी सही लग रही है, अच्छी लग रही है पर खा। मिर्ची, घी डालना हो इसमें? घी तो मैं डाल रखा था। अरे 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 वाह। हाँ अभी और घर पे पहले के भी रखे हुए हैं, पिछली साल के ना पूरे पूरे पैकेट बंद रखे हैं वो, अभी चार पांच पैकेट अभी निकालता हूं। कोई एक्सपायर भी नहीं होंगे वो। और डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, अब हम खाएंगे खाना। मैंने मंगाई है दही, मंगाई है और मंगाया है लस्सी, लेकर आए हैं नमकीन है, मीठी लस्सी है। थैंक यू यार, मैं तो मरी जा रही थी लस्सी पीने के लिए। ये आ गया इनका सामान, गुलाल उड़ाने वाली मशीन है। हाँ, कितना सारा सामान है। मैं ये जो ऊपर रखा हुआ था ना, इसमें रखा हुआ था ये बाथरूम की छत पर। क्या वाला मास्क? हाँ, इनका मास्क भी मिल गया और ये कलर्स भी मिल गए, पिचकारियाँ भी मिल गई, लोमड़ी और ये वाली पिचकारी। ऐसे करते हैं, गुलाल भरेंगे इसमें। ये कौन आ गया हमारे घर? लोमड़ी आ गई। तो आते ही इन्होंने तो बच्चों के लिए रंग पिचकारियां सब निकाल दी, तो गुलाल नहीं लाना है ना, बाकी बहुत सारा है। हाँ, खाली पिचकारियां ले आएंगे। ओके बच्चों, स्प्रे भी दिलवा देना एक आज, ठीक है? हाँ, दिलवा देना। तो हम खाएं खाना, खाना लगे भूख, मैं इनका ही वेट कर रही थी, जल्दी से डॉक्टर साहब आए तो फिर मैं खाना खाऊं। तो गाइस अभी मैं ना रील्स बना कर आई हूँ, इसीलिए मैंने गुलाल लगाया था, तो फेस पे भी लगा हुआ है। और बच्चों ने भी कोशिश की थी खेलने की, लेकिन रिशु ने छुड़ा लिया अपना, मैं भी अभी साफ कर लूंगी। हिताक्षी आप दिखाना, कपड़ों पर लगा हुआ है, रिशु ने फेंक दिया था उसमें से गुलाल निकाल कर। तो अभी नहीं, परसों की होली है, खूब खेलना ठीक है, जी भर कर। क्या कर रहे हो? लोमड़ा हूँ मैं, लोमड़ा यार। इसमें येल्लो येल्लो क्यों लगता है? तुम्हारी आंखों में पीलिया हो गया है। और अभी ये सब जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं साथ में होली की शॉपिंग करने के लिए। और मेरी कतई इच्छा नहीं है जाने की, बट मैं जा रही हूँ क्योंकि इन सबका मन है कि नहीं मम्मा आप भी चलो, और हस्बैंड भी कह रहे हैं नहीं मैडम चलिए आप भी साथ में, तो फिर तो जाना पड़ेगा ना। लाइट्स ऑफ कर दी है वैसे तो मैंने, लॉक लगा दिया, गाड़ी अब कर रहे हैं बैक।
तो ये आ गई शॉप। ये रखा हुआ है सारा कलर होली का सारा सामान। चाचा चाचा दिखाएंगे, चाचा चाचा दिखा दो, दिखा दो भाई बच्चों को। लेकिन मैं तो नॉर्मल ले लो जो लेना है। मैं अब तक अंदर से सामान लेती हूँ। आंटी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते। टैक्स उधर हो जाओ बेटा। सारे मोटू पतलू भी लाए हैं। ये येलो ही तो है। तुम ये ले लो वैक्यूम वाला। ठीक है पापा, मैं ये ले लो चिड़िया। चिड़िया आप ले लो। क्या है, क्या बजूका है? भैया नमस्ते, भैया नमस्ते। इनके भी लड्डू चाहिए, और इनके भी लड्डू चाहिए। लड्डू अभी लो, भगवान साथ में है। ये बजूका था अब तो। ये से चलाने के लिए कोई और चाहिए ना? एक खुली हुई वाली है तो यही तो है। कितनी हैवी हो रही है, कहाँ चला लेंगे ये? हाँ ले लो जो पसंद आ रहा है बोलो। तुम तो इस बॉक्स में रखती जाओ, निकलवाना इसमें से फिर हमारा काम। चाचू भी मिल गए यहीं पे। भैया नहीं आया अभी? अच्छा ओ पापा जी भी आ गए। आप घर ही थे क्या अभी? ये पिचकारी क्या है इतनी बड़ी? दोनों लगनी बाबा के साथ। पापा ही नमस्ते। अरे होली हो रही होगी वहां पे? ये कितने का भाई? ये जरूरी है ना? वैसे खोपड़ी बाल नहीं है। यू कह रहे हैं बाल बचे जाते हैं, जाली है। अंग्रेजी लग रही है। ये तो अच्छी लग रही है। पर फिर भी सेट नहीं आ रही है। अब यहाँ देखते जाएंगे और सामान भी रखते जाएंगे, तब भी याद आएगा सामान ना। बिस्किट्स रख लो कुछ डिफरेंट फ्लेवर। ओरियो, ओरियो जरूर लेना क्योंकि रीशु को बहुत पसंद है। वो लिखवाना पड़ेगा, वो लिखा हुआ है तो अंकल जी से रखना पड़ेगा। ये लो, ये लेना। एक ठंडा ही ले लेते हैं इन दिनों, अब ठंडा ही अच्छी लगेगी। अभी देख रहे हैं गन, क्या बोलते हैं इसे? स्पार्कल गन। स्पार्कल, इसमें चाहे वो कलर की वो लगा दो। कैट कॉटेज बोलते हैं भैया उन्हें, कार्टेज। अच्छी लग रही है, अभी तो लग रही है लेकिन यूज करने के बाद पता चलेगी। हो गया सारा सामान तो हो गया, लेकिन गुलाल है, बिलिंग होनी है। गुलाल काफी हो गया, छोटा मोटा वो लेंगे बाद में। हाँ वो बाद में ले लेंगे। चाय बन के हो गई रेडी, चाय छानती हूँ। दही रख देती हूँ फ्रिज में।
आपको दिखाने वाले हैं कि क्या क्या हमने शॉपिंग की है होली के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको पिचकारियां दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हमारी ये वाली पिचकारी है, मेरी है। और मैंने पता है ये पिचकारी क्यों ली है, क्योंकि जब हम बलून्स फुलाते हैं ना तो वो ऐसी पिचकारियों से सबसे ज़्यादा सही फूलते हैं, काफ़ी सही रहते हैं ऐसे बनते हैं। और जो हमारी दूसरी पिचकारी है आज आरव बहुत दिनों बाद आया है। आरव गया था अपने मामा के यहाँ पर। और ये देखो बच्चों की होली की शॉपिंग हो गई है, वेरी गुड। दिखा अपनी अपनी पिचकारियाँ दिखा। ये गन, अरे वाह, ये छोटा भीम वाली गन, ये मेरी वाली, सबकी छोटा भीम है, ये मेरी छोटा भीम। तीनों तीनों अपनी पिचकारी ले खड़े हो जाओ। हाँ निकाल लो इसमें, चलो ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, सामने सामने ऐसे पकड़ लो। वेरी गुड वेरी गुड, दिखाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अबे यार मैं दिखाती हूँ सिर्फ, मैं कितने अच्छे तरीके से छुपा हुआ था ये। अरे आरव आप हार गए, आपको धप्पी करना था। और पापा छूके करते हैं, महान इतना है, मैं बोल रही थी चुप रहे। देखो ये शान, ये छोटे छोटे बच्चे भी ना इतना धप्पी की पता चलता ना आइस पाइस की, सीख रहे हैं वो अभी। ठीक है तो एक एक चांस तुम तीनों की आएगी, चाहे वो कोई जीते चाहे वो हारे। ठीक है ओके ओके, चल जाओ खेलो। तो बच्चों का गेम तो चलता रहेगा। तो गाइज आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं, कल मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और आप सभी को हैप्पी होली, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कल हम भी अपनी गुजिया बनाना स्टार्ट कर देंगे और बाकी बहुत सारा काम है। और होली की शॉपिंग तो आज हुई गई थी बच्चों की, बड़ों की तो कोई शॉपिंग नहीं होती, हमारे पास तो गुलाल रखा है वही बहुत है, क्योंकि जो वैसे डाई वाले कलर होते हैं वो डाई वाले कलर ही होते हैं एक तरीके से, वो कोई भी भाई ये यूज़ मत करना, उससे स्किन इतनी ख़राब होती है। मेरे जो स्किन यहाँ ख़राब हो रखी है वो उन कलर्स की वजह से ज़्यादा डैमेज हो रखी है, वो अभी तक भी कितना टाइम हो गया सालों में अब तक ठीक नहीं हुई है। तो मैं सभी को यही सजेस्ट करती हूँ आप उन कलर से होली ना खेलें, खाली अपने ये गुलाल वुलाल से खेल लो, हल्की फुल्की पानी की खेल लेते हैं थोड़ी बहुत, ज़्यादा पानी भी ना वेस्ट करा जाए। म्यूजिक चलाओ, डांस करो, खाओ पियो, क्यों बस ये करना चाहिए। तो मिलते हैं कल हमें नए ब्लॉग में, बाय। ब्लॉग को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो बाय, हैव अ नाइस डे।